यूपी में सीएम योगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। जब आरएसएस और बीजेपी से जुड़े एक नेता की 5 मंजिला अवैध इमारत पर योगी का बुलडोजर चला। योगी की इस कार्रवाई की चर्चा जिले में हर ओर हो रही है। लोगों को लग रहा था कि शायद सत्ता पक्ष से जुड़े होने के चलते इस अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन योगी ने सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए अपने ही नेता की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा इतिहास रच दिया। बता दें कि मामला फरुखाबाद शहर के त्रिपोलिया चौक पर स्थित बहुचर्चित 5 मंजिला इमारत टाइम सेंटर का है, जिसकी नींव 80 के दशक में रखी गई थी। गौरतलब हो कि टाइम सेंटर बिल्डिंग के मालिक कृष्णकांत गुप्ता लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे हैं और फरुखाबाद से भाजपा के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी के सहयोगी भी रहे थे। यही नहीं, इससे पहले भी अवैध अतिक्रमण के चलते टाइम सेंटर बिल्डिंग पर बहुत बार कार्रवाई के आदेश जारी हुए थे, लेकिन कभी राजनीतिक रसूख तो कभी उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण से कार्रवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन इस बार योगी के बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान में बीजेपी नेता के अवैध इमारत टाइम सेंटर को इतिहास बना दिया। बता दें कि नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में प्रशासन ने 55 घंटे की लंबी कार्रवाई के बाद बीजेपी नेता की 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। यहाँ पर टाइम सेंटर डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है, जो आज 19:20 की रात 12 बजे के आसपास पूरी हो चुकी है। आपके सामने कोई कैजुअलिटी वगैरह तो नहीं हुई? इतना बड़ा घटना, कैजुअलिटी का कोई प्रश्न नहीं है मैम। 11,000 की लाइन थी, वो टूट गई एकदम से? नहीं, वो लाइन नहीं टूटी, पहले हम तार हटवा चुके हैं, शटडाउन लिया हुआ। वो खंभा तो हट गया था मैम, उधर से पूरा लाइन गई है। पूरी कार्रवाई में टाइम सेंटर बिल्डिंग गिराने में कितना समय लगा? हम लोग 17 तारीख की शाम से यहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई लगाए थे और आज पूरा। मैम कितने मजदूर लगे हुए थे? रोज लगभग 40 मजदूर लगे हुए थे और 80 घंटे लगभग कार्रवाई के लिए बिल्डिंग अब धराशायी हो गई।